गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू राइट चैप्टर 6 क्वेश्चंस ऑफ इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पेज नंबर 32। व्हाट डू यू मीन बाय द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल का से आप क्या समझते हैं? आंसर, बेसिक सब्सटेंस नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिंग बाय मैन और मशीन इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। वो सारे बेसिक सब्सटेंस जो मशीन या मनुष्य के द्वारा जब भी किसी चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे अगर आपको शुगर बनानी है तो शुगर कैन की जरूरत पड़ती है। शुगर कैन जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल है। क्वेश्चन 2, गिव सम एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ एग्जांपल्स देने हैं हमें रॉ मटेरियल के, तो है कॉटन, वूल, वीट, टोबैको, शुगर कैन एक्सेट्रा। क्वेश्चन 3, मेक अ लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई बाय योर विलेज। आपको आपके विलेज के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले रॉ मटेरियल की एक लिस्ट बनानी है। रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय माई विलेज आर वीट, टोबैको, ग्राउंड नट, सीसम, मस्टर्ड, कस्टर्ड, वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा। यहाँ टोबैको मतलब है तंबाकू, मस्टर्ड मतलब है सरसों, कस्टर्ड माने हैं इरंडी, सीसम तो सीसम। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड द प्लेस टू विच दे आर सप्लाई। आपको रॉ मटेरियल्स, अलग अलग रॉ मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है और उनके द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है और कौन सी जगह पे वो सप्लाई किया जाता है ये लिखना है। सम प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल आर वीट। वीट से जैसे बनाए जाते हैं ब्रेड, बिस्किट, केक, मैक्रोनी एक्सेट्रा, और इन्हें ऐसी ही जगहों पे सप्लाई किया जाता है। सेकेंड है टोबैको। टोबैको से बीड़ी और सिगरेट्स बनाई जाती हैं। ग्राउंड नट और मस्टर्ड, ग्राउंड नट माने मूंगफली, मस्टर्ड माने सरसों, उनसे एडिबल ऑयल खाने का तेल बनता है। फोर्थ है पोटैटो। पोटैटो से पोटैटो वेफर्स बनती है। टोमेटोस, टोमेटो से केचप और सॉस और प्यूरी बनता है। मिल्क, मिल्क से बटर, घी, मिल्क पाउडर एक्सेट्रा बनते हैं और इन्हें ऐसी ही फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे ये सब वस्तुएं बनती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रेवेन्यू? मेक अ लिस्ट ऑफ टैक्सेस पेड बाय अस। लैंड रेवेन्यू का आप उसे क्या समझते हैं और एक लिस्ट बनाइए आप कहाँ कहाँ लैंड रेवेन्यू टैक्सेस पे करते हैं उसकी। लैंड रेवेन्यू मीन्स द टैक्स विच वी पे टू गवर्नमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। लैंड रेवेन्यू का मतलब है कि वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को लैंड के यूज़ करने, हमारी जो लैंड का यूज़ करते हैं उसके बदले में जो देते हैं उसे हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं। इसके अलावा भी हम अनेक टैक्स देते हैं। जैसे वी पे मैनी टाइप ऑफ टैक्सेस लाइक रेसिडेंशियल टैक्स, वाटर टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स। If famine occur in modern time, the people suffer less. Why did they suffer more during the British rule in India? अगर आज के समय में famine माने अनाज की कमी हो जाती है, खाने के लिए कम लोगों को भूखे मारने की हालत आ जाती है, तो ऐसा समय होता है तो people आज कम suffer होते हैं, कम तंग होते हैं, क्यों? और Why did they suffer more during the British rule in India? क्या कारण था कि वो जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब ज़्यादा सफ़र हुआ करते थे? In present time we have a state government as well as central government. तो आंसर है कि आज के समय में हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सो इफ फेमाइन ऑकर, तो अगर फेमाइन होता है, द गवर्नमेंट स्टार्ट रिलीफ वर्क इमिडिएटली सो पीपल सफर लेस इफ फेमाइन ऑकर। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है फटाफट से लोगों को रिलीफ जो उनकी उन्हें अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करती हैं ताकि वो जो है जिस स्थिति में है उससे अच्छी स्थिति में आ सकें। सो पीपल सफर लेस इन इफ फेमाइन ऑकर्स इन द प्रेजेंट टाइम। तो इसीलिए पीपल आज के समय में अगर फेमाइन होता है तो कम परेशान होते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑल इंडियन वर एनस्लेव। पर जब हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज था तो हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। ब्रिटिश डू नॉट केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन। ब्रिटिश को इंडियंस के वेलफेयर के बारे में कोई भी परवाह नहीं थी। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश सीजन पीपल हैड टू सफर अलॉट। तो इसी कारण पीपल्स को ब्रिटिश सीजन के समय बहुत ज़्यादा हैरान होना, तंग होना पड़ता था। वट कॉटेज इंडस्ट्री कैन बी सीन एट द विलेज लेवल इन द प्रेजेंट टाइम। कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री हम आज के समय में विलेज लेवल में देख सकते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री सीन एट द विलेज लेवल एट प्रेजेंट टाइम आर। आज के समय में हम जो कॉटेज इंडस्ट्री विलेज में देख सकते हैं वह हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे चटाई बनाने की इंडस्ट्री, जूते बनाने की इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पॉटरी डाइंग इंडस्ट्री, कैटल रेयरिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री।
ऑयल इंडस्ट्री जैसे तेल निकालने की जो घाड़ियाँ होती है वो भी कॉटेज इंडस्ट्री है। लेदर इंडस्ट्री, जूते बनाने की इंडस्ट्री, पोल्ट्री रेयरिंग, मुर्गी पालन, बतख पालन, कैटल रेयरिंग, अलग अलग तरीके कैटल्स को, गाय बकरी भैंस को पालना, डेयरी इंडस्ट्री, दूध से जुड़ा हुआ जो भी इंडस्ट्री है वो डेयरी इंडस्ट्री कहलाती है। तो इस प्रकार हमें गांव में अनेक कॉटेज इंडस्ट्री देख सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री माने होता है ऐसी इंडस्ट्री जो कम पैसे में घर के मेंबर्स के द्वारा ही घर में चालू की जा सकती है। तो इस प्रकार हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पोल्ट्री रेयरिंग इंडस्ट्री, कैटल रेयरिंग इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री हम गाँव में देख सकते हैं। पेज नंबर 35, व्हाई डिड मैक्युले स्टार्ट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो मैक्युले ने क्यों इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट किया था? मैक्युले स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बिकॉज द ब्रिटिश नीडेड पीपल हु न्यू इंग्लिश टू डू देयर क्लरिकल जॉब्स। मैक्युले ने इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में स्टार्ट किया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसे लोगों की जरूरत थी अपने क्लरिकल जॉब्स कराने के लिए जिन्हें इंग्लिश आती हो। अगर वो ऐसे लोगों को इंग्लैंड से ला देते तो वो बहुत महंगे पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम इंडिया में ही क्यों ना इंग्लिश एजुकेशन चालू करें और इंडिया में ऐसा एक क्लास पैदा करें जो हमारे लिए क्लरिकल जॉब्स कर सके। डिस्कस पेज नंबर 36, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पीजेंट एंड दोज ऑफ द ब्रिटिश टाइम। क्या डिफरेंस है आज के पीजेंट किसानों में और ब्रिटिश समय के किसानों में? पीजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल वर रॉइंड ड्यू टू द हार्ड एंड अनजस्ट रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो पीजेंट थे, किसान थे ब्रिटिश रूल के समय में, वो बर्बाद हो गए थे जो ब्रिटिशर्स की हार्ड और अनजस्ट रेवेन्यू पॉलिसीज थी, टैक्स लेने की जो पॉलिसीज थी, उनके कारण जो है पीजेंट्स बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी थे जो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा कर लेते थे, टैक्स लेते थे। इस कारण उस समय में, ब्रिटिशर्स के समय में किसान बहुत हैरान थे। प्रेजेंट डे पीजेंट आर फ्री सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन। पर आज जो है हमारा किसान जो है वो एक फ्री सिटीजन है हमारे डेमोक्रेटिक देश का। दे आर द राइटफुल ऑनर ऑफ देयर लैंड। वो अपने लैंड का एक सच्चा अधिकारी है। लैंड रेवेन्यू डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन क्वाइट लेस इज क्वाइट लेस। जो लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है वो बहुत कम होता है। सो इंडियन पीजेंट ऑफ टुडे आर फ्री एंड लिव पीसफुली। इस कारण आज का जो किसान है वो फ्रीली और पीसफुली शांतिपूर्ण जीवन जीता है। व्हाट रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस बाय विलियम बेंटिक इन इंडिया। विलियम बेंटिक ने इंडिया में कौन कौन से सुधार किए? रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय विलियम बेंटिक इन इंडिया वर। तो विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए सुधार, इंडिया में जो किए गए सुधार है वो है बैनिंग द इविल कस्टम ऑफ सती इन 1829। सबसे पहला उन्होंने जो सती प्रथा हमारे यहाँ पे चलती थी, एक बहुत ही बुरी प्रथा थी, उसको 1829 में विलियम बेंटिक ने बैन करवाया था। 1834 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वॉज स्टार्टेड। 1834 में उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन भारत में स्टार्ट किया करा था। रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम एंड प्रिंटिंग वॉज स्टार्टेड। उनके ही समय में रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफी सिस्टम चालू किया गया था, साथ में प्रिंटिंग भी उसी समय स्टार्ट हुआ था। इन 1857 ही एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। 1857 में उन्होंने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में यूनिवर्सिटीज बनाई थी। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट कमोडिटीज वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कौन कौन सी वस्तुएं इंडिया से बाहर के देशों में भेजी जाती थी? कमोडिटीज लाइक जूट, वूल, सिल्क, कॉटन, मसलिन, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो वस्तुएं जैसे जूट, वूल, सिल्क, कॉटन, मसलिन, सॉल्ट, शुगर, ये सब चीज़ें जो है बाहर के देशों में इंडिया से भेजी जाती थी। क्वेश्चन टू ऑमिट है क्योंकि वो सेम ऊपर जो हमने विलियम बेंटिक के रिफॉर्म्स पढ़े वही सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन थ्री, व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट द फैसिलिटी ऑफ रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफी की सुविधाएँ चालू की? इन 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रेलवे इन इंडिया फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मी। उन्होंने रेलवे सिस्टम हमारे यहाँ पे 1857 में चालू किया ताकि वो आर्मी का क्विक ट्रांसपोर्टेशन कर सके, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह फटाफट से ले जा सके। दे स्टार्टेड पोस्ट एंड टेलीग्राफी इन इंडिया इन ऑर्डर टू नाउ अबाउट ईच पार्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सचेंज मैसेज विद इंग्लैंड।
उन्होंने इंडिया में टेलीग्राफी सिस्टम पोस्ट सिस्टम चालू किया ताकि वो इंडिया के हर एक भाग के बारे में फटाफट से जान सके, साथ में हर एक मैसेज जो है इंग्लैंड पहुंचा सके। क्वेश्चन 4, हु अपॉइंट द कलेक्टर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। हमारे देश में सबसे पहले कलेक्टर किसने अपॉइंट किया था, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर को किसने अपॉइंट किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड द फर्स्ट कलेक्टर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए, उन्होंने सबसे पहले जो कलेक्टर था उसको अपॉइंट किया था रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। हु बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती को किसने बैंड किया था, सती प्रथा जिसमें जब हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था उसकी चिता पे बैठा के, तो सती प्रथा को बैंड करने वाले थे विलियम बेंटिक। बैंड द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती, जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने ये जो सती प्रथा थी उसे बैंड किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।